गुड मॉर्निंग गाइस, सबकी शुरुआत हो गई है चाय के साथ और मेरी गर्म पानी के साथ में। और ये लोग खाने के लिए खाऊ के डब्बे की तरफ टूट पड़े हैं। सुबह सुबह इनको लग गई है भूख और एक महारानी का आना अभी बाकी है। वो बर्तन घिस रही है। दीपेश ने सच बोल दिया, इतना भी सच नहीं बोलना था दीपेश। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे वीडियो का व्लॉग एडिट कर रही थी तो उसमें मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरी मम्मी बोल रही है तो यानी तबियत रो रो वही फोन हाथ में पकड़े वीडियो बना रही। मम्मी नहीं रोई थी ना? मम्मी बहुत रोई थी। दीपेश आया है दुकान पर और संजू और राज भी आए हैं दोनों। वही तो है राहुल भैया। ओके हाँ, वही तो है राहुल भैया। पर इन लोगों ने राहुल भैया ने नारियल दिया मेहमान नवाजी। पर इन लोगों ने तो राज जा रहे हैं अभी उनके घर पे, संजू को यहीं छोड़ के है ना? नहीं कस्टमर हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो वो कस्टमर लगे ही नहीं। तो वो दोनों संजू और सोनू के बारे में बात कर रहे थे कि ये दोनों ट्विंस दिख रही है, किस एंगल से दिखती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, हमको तो नहीं दिखती, पता नहीं कस्टमर को कैसे दिख जाती है। और हम दोनों को है ना तो बिल्कुल सेम नहीं लगते हम तो, फिर भी जमीन आसमान का फर्क है। पर उनको कैसे सेम लगती है आज तक हमको पता नहीं चला। जो भी आता है, जो भी आता है ना कस्टमर बोलता है कि आप ही थे ना, मैं बोलती नहीं वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। ये मतलब ये और ये, इन दोनों की शक्ल कैसे सेम लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इधर देख संजू, मुझे भी हमको भी नहीं लगती है। कस्टमर को कैसे लगती है? पापा को कैसे लगती है? ध्यान से देखो इस कन्या को और इस कन्या को, जमीन आसमान का फर्क है। तो फ्रेंड्स, अचानक से हमारा मन बन गया है कि हम लोग मामी के घर पे जा रहे। मैं जा रही थी, ये दोनों मेरे पीछे पीछे आ रही और हम लोग जा रहे हैं समोसा खाने। मुझे लेके जा रही है, ये मुझे लेके जा रही है। ये लालची दोनों समोसे का नाम सुनते ही आ गई है मेरे पीछे पीछे। अरे चल 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 चल, सॉरी गाइस, मैंने रुके तो खाना है। ये दोनों मेरे नाम पे बिल फाड़ने जा रही है। इतने दिनों बाद हम तीनों साथ में। धन्यवाद धन्यवाद माती ने। अरे ठंड लागू, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू मेशु। हाय कर दे, चल हाय कर दे। ये देखो तीन की तरह ये शौक हुई। ए हुड़ा हुड़ा हुड़ा, सोनू कह रही मु नाराज हूँ मामी से, मामी सा कही मुनी ले मुनी हूँ जबरदस्ती ले नहीं पसंद के। हाँ मामी से नाराज हूँ, मामा और किरण थोड़ी नाराज हूँ। किरण पूछ रही हम घूमने कितना जा रहे हैं, आज समोसा और चटनी खावाने आया। तीन ही आज मुझे एकली आई रही थी, ये दो ही मान ला रहे पड़ी है। वंदोड़ा खावा थोड़ी है, वंदोड़ा ही खा ली था आपे। तो फ्रेंड्स, किरण लेके आई हमारे लिए समोसे। फिर हम लोग लेके चार से एक दो तीन चार तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं शॉप से घर और आज मेरे साथ में आई है किरण हमारे घर पे। एक डेढ़ महीने बाद हम लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं उधर उधर क्यों देख रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ पकोड़े फिलहाल और फिर बनाना है पास्ता, क्योंकि आज हम लोग डेढ़ महीने बाद मिले हैं। मीन्स कि मिले तो है बट नाइट स्टे साथ में करने वाले, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मस्ती करने वाला है। किरण से मिलवाती हूँ, तो आप थोड़ी देर पहले तो किरण से मिले ही थे शॉप पे। हेलो हेलो लो। मैंने नहीं बनाया, मीन्स कि मैंने फ्राई किया है, पेस्ट मम्मी ने बनाया था इसका गोल पास्ता। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा व्हाइट सॉस पास्ता भी बन गया है। सोनू बना रही है भावना को मेहंदी और भावना भी बना रही है मेहंदी। क्यों बना रही है ये तो चलेगा पता बाद में,
और मम्मी आज बना रही है तिल गुड़ के लड्डू। मैं आपको बताती हूँ, देखो कितनी अच्छी मेहंदी बना रही है सोनू। मैं मेहंदी क्यों बना रही है आप लोग बताना मुझे, आपको पैसे पता तो चल जाएगा थोड़ा टाइम बाद, बट कमेंट सेक्शन में आपको अगर पता है तो आप बता देना। तो आज नाइट में तिल गुड़ के लड्डू क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ना सुबह हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो अभी नाइट में मम्मी बना रही है। आज मकर संक्रांति है तो तिल गुड़ बनना स्पेशल होता है, इसलिए मम्मी अभी बना रही है। फ्रेंड्स मेरा बहुत ज़्यादा मन है तिल गुड़ खाने का, मम्मी सामने बना रही है बट मैं उठ के नहीं जा सकती हूँ और मम्मी मुझे गरम गरम दे नहीं रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा फेवरेट है मीठा, तो वैसे आप लोगों को पता है कि मुझे कितना पसंद है। और ये बन रही है मेरे हाथ में, मैंने मुझे बनाना तो नहीं आता है बट जैसी आती है वैसी मैं बना रही हूँ। आज सुबह में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए मम्मी ने शाम को ये तिल गुड़ के लड्डू बनाए। मकर संक्रांति है तो बनते ही है, बट सुबह में मम्मी बाहर चली गई थी इसलिए। तो हेलो एवरीवन, अभी हो गई है शाम का टाइम, मकर संक्रांति हो गई है, ज़्यादा कुछ स्पेशल यहाँ होता नहीं है। तो आज एक स्पेशल बात है कि दीपेश की स्कूल का एनुअल डे है आज, तो वहाँ पे दीपेश ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया है बट दूसरे बच्चों का भी है और मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स आने वाले, मीन्स कि वो सब साल में एक ही बार मिलते हैं, तो सारे स्कूल के फ्रेंड्स मिलेंगे जो साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। तो संजू सोनू और हम लोगों ने यहाँ से ही स्कूल से पढ़ाई की है, मेरी भी हुई थी यहाँ से, आधी गांव से हुई है बट, तो चलते हैं वहाँ पे और सब लोगों से मिलेंगे और देखते हैं एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड हम लोग हो गए हैं रेडी और अब जा रहे हैं, हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, एंट्री कार्ड भी नहीं है, दीपेश को स्कूल से मिला नहीं था बिकॉज ऑफ ये बीमार था तो गया नहीं था, तो हम लोग बिना एंट्री कार्ड के जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग को अंदर भी लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे मालूम है कि बच्चों को अगला कार्यक्रम प्रावधान है, पहली बार मैं देखा कि विद्यालय स्कूल के बच्चे आई थी बट उसका कोई मीनिंग नहीं निकला है, कोई उसको कांग्रेचुलेशन बोलने नहीं आया है, अब इसके कोई फ्रेंड या इसके क्लासमेट नहीं आए। अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक योर एग्जाम विल बी स्टार्टेड। फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन इधर आ, तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन था कि हम लोग अंदर कैसे गए, एंट्री कार्ड तो हमारे पास था नहीं बट हमारे प्रिंसिपल बाहर ही खड़े थे तो वो हमें पहचानते हैं, तो हमें अंदर ले लिया था उन्होंने एंड बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्म हुए थे। फ्रेंड्स एक टाइम था जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे और एक ऐसा टाइम था जब मैंने भी यहाँ पे परफॉर्म किया था, दो बार किया था, तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। एंड आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, इफ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।